हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 अप्रैल का पहला एडिटोरियल इन टाइम ऑफ नीड। तो हेडलाइन का मीनिंग क्या है? हेडलाइन का मीनिंग है ज़रूरत के समय में। कैसे बना है? देखो, नीड यहाँ नाउन है, अव प्रेपोजिशन है, टाइम नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, और इसको पढ़िएगा ज़रूरत के समय में। बिल्कुल अपोजिट लेकर चलिए। जनरली हम इंग्लिश से हिंदी जब ट्रांसलेट करते हैं तो सामान्य केस में आप उल्टा लेकर चलते हैं अगर सेंटेंस को, तो आपका अर्थ निकल आता है। तो ज़रूरत के समय में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई पूछता है आपसे कि सबसे प्रेशस चीज़ क्या है, तो वो है टाइम। टाइम ही था कि सब कुछ स्मूथली चल रहा था, और टाइम ही है कि सब कुछ रुका हुआ है। तो हमें टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम की इम्पोर्टेंस हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और यही कारण है कि आप जो वीडियो सेशन देखते हैं इस चैनल पर, तो बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपकी एक भी सेकेंड वेस्ट ना हो। तो इन टाइम ऑफ नीड में देखिए, टाइम एक वर्ड दे रखा है, और टाइम की जगह कई बार आपको टाइम्स भी नज़र आता है, जैसे दीज टाइम्स है ना। और ये भी फ्रेज होते हैं इन टाइम्स ऑफ नीड। इन टाइम्स ऑफ नीड का मतलब भी वही है, लेकिन टाइम्स और टाइम में बेसिक डिफरेंस क्या है? टाइम एक पर्टिकुलर समय के लिए, जैसे भी आप कोई रूटीन का कार्य करते हैं, किस समय करते हैं उसको आप टाइम कहते हैं। टाइम्स का मतलब एज हो सकता है जो आप जी रहे हैं, है ना, एज दैट यू आर लिविंग। आप उस दौर को कहते हैं जिस दौर में आप रह रहे हैं, आप जिस दौर में चल रहे हैं। तो फिलहाल जो चल रहा है ना, वो टाइम्स कहा जा सकता है। ये दौर चल रहा है, COVID-19 के कारण लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो आप टाइम्स इसे कह सकते हैं। काफी बार आप टाइम से संबंधित कुछ फ्रेजेस भी देखते हैं, जैसे एक हम देखते हैं एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स, ओकेजनली, कभी कभार, तो उसके लिए एट टाइम्स यूज करते हैं। एक फ्रेज आपको देखने में आता है टाइम एंड अगेन, ये देखा होगा आपने कई बार, पूछते भी एग्जाम में आपसे टाइम एंड अगेन। और टाइम एंड अगेन के स्थान पे आप टाइम एंड टाइम अगेन भी कर सकते हैं, टाइम एंड टाइम अगेन, या टाइम आफ्टर टाइम भी कर सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, टाइम आफ्टर टाइम भी हो सकता है, लेकिन आपसे पूछते हैं एग्जाम में वो ये वाले पूछते हैं, है ना, टाइम एंड टाइम अगेन भी हो सकता है। इन सभी का मतलब होता है रिपीटेडली, ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत अवसरों पर, बार बार में, फ्रिक्वेंटली, उसको बोलते हैं कि तीनों फ्रेज से टाइम एंड अगेन, टाइम आफ्टर टाइम, टाइम एंड टाइम अगेन, और एट टाइम्स मैंने बताया उसका मतलब होता है कभी कभार, समटाइम्स, ओकेजनली। चलो आगे बढ़ते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इंडिया बोर्ड टू यूएस प्रेशर, इट इज अनलाइकली टू रन आउट ऑफ द ड्रग। दो यहां पे चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, यहां कोमा तक का पार्ट है, उसमें क्या बोलना चाह रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ। सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखने योग्य है कि इररेस्पेक्टिव में ऑफ लगता है प्रेपोजिशन, ठीक है, इसको अव भी पढ़ते हैं, तो ऑफ लगता है, अव लगता है प्रेपोजिशन। इररेस्पेक्टिव ऑफ है क्या, इसका मतलब होता है परवाह किए बगैर, है ना, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ परवाह किए बगैर। वेदर इंडिया बोर्ड टू यूएस, अब यहाँ वेदर है, इसका मतलब ये प्रकार का क्वेश्चन मार्क है लेखक के मन में। तो क्वेश्चन मार्क जब होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो आप कंजंक्शन वेदर लगा सकते हैं। ये चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नरेशन में। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इंडिया बोर्ड टू यूएस, बो का मतलब झुकना होता है, बोर्ड टू यूएस, किसके सामने झुके हो उसके लिए टू लगता है, ठीक है। और बता दूं मैं इसके लिए, कुछ समर्पण, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करने के लिए वर्ड होते हैं, वो भी झुकना ही एक प्रकार से, सरेंडर यूज करते हैं, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। सीड यूज किया जाता है, सी ई डी ई। कैपिचुलेट यूज किया जाता है, सी ए पी आई टी यू एल ए टी ई। या फिर यील्ड यूज करते हैं, वाई आई ई एल डी। या फिर सकम यूज करते हैं, एस, यहाँ लिख देता हूँ, एस यू डबल सी यू एम बी। इन सब का घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना, किसी के सामने झुक जाना, इन सब के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, किसके सामने झुके हो, किसके सामने आत्मसमर्पण किया है। और यहाँ बोर्ड के साथ भी टू लगा है, तो इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि भारत क्या यूएस के प्रेशर के सामने झुक गया, क्या भारत यूएस के दबाव के सामने झुक गया, क्या भारत ने घुटने टेक दिया। इट इज़ अनलाइकली टू रन आउट ऑफ द ड्रग, इट यहाँ पे भारत के लिए है, इज है, अनलाइकली का मतलब संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, असंभव है। टू रन आउट, रन आउट से मतलब होता है किसी चीज़ की सप्लाई खत्म हो जाना, किसी चीज़ की आपूर्ति खत्म हो जाना, संसाधन खत्म हो जाना। रन आउट के स्थान पे मैं कुछ फ्रेज बताऊंगा आपको, पहले आप इसका मीनिंग जान लीजिए। ऑफ द ड्रग का मतलब हो गया, रन आउट ऑफ का मतलब किसी चीज़ की सप्लाई खत्म हो जाना, ड्रग का मतलब दवा। तो ये कौन सी दवा है, ये वाली दवा है, ये हमने डिस्कस कल भी किया था शायद, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन
कल या परसों के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था ये वाला, तो ये दवा है, इसका स्टॉक खत्म होने वाला नहीं है, संभावना ही नहीं कि खत्म हो जाए स्टॉक, इतना स्टॉक भारत के पास है, और इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, ये फार्मासिस्ट ने कहा है, फार्मासिस्ट जो कंपनी है, फार्मा कंपनीज उनके लोगों ने कहा है। क्या बोलना चाह रहा है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इंडिया बोर्ड टू यूएस, तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात की परवाह किए बगैर कि भाई भारत जो है यूएस के दबाव के सामने झुका है कि नहीं झुका है। वेदर इसका मतलब दो तरीके की चीजें हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये असंभव है या अनलाइकली है कि भारत इस ड्रग का स्टॉक जो है वो रनआउट इससे हो जाएगा, इसकी आपूर्ति खत्म हो जाएगी, भारत से ये ड्रग दवाइयां खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। रन आउट है, देखो वैसे ही कुछ फ्रेजे बता देता हूँ आपको मैं, एक रन आफ्टर एक फ्रेज होती है, कल भी हमने काफ़ी सारे फ्रेज आप डिस्कस की थी तो आप याद करते रहिएगा। रन आफ्टर से मतलब होता है चेज करना, पीछा करना, ठीक है। रन आउट का मतलब क्या है, चेज करना, पीछा करना। एक होता है रन इन टू, रन इन टू से मतलब होता है टू मीट बाई चांस, मतलब आप कह सकते हो टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, किसी से संयोगवश मिलना, अचानक से मिलना। इसके बराबर कम अक्रॉस भी कर सकते हो, ये भी नोट कर लीजिएगा, कम अक्रॉस का मतलब भी टू मीट बाई चांस होता है, टू मीट समवन सडनली होता है। एक होता है वर्ड रन ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब रन ऑफ ओ डबल एफ, इसका मतलब टू मेक फोटोकॉपीज, जेरोक्स करते हैं ना उसके लिए रन ऑफ यूज करते हैं। एक रन ओवर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है एग्जाम में। रन ओवर से मतलब होता है कुचलना, टू हिट विद अ व्हीकल, टू कोलाइड विद अ व्हीकल, जैसे कोई कार ट्रक या ट्रेन से टकरा गए तो उसे रन ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे, इंपॉर्टेंट नोट कर ली होगी आपने। आगे देखिए, After imposing a blanket ban on the export of anti-malaria drug hydroxychloroquine on April 4, without exemption on humanitarian or other grounds, India reversed the policy 2 days later. After imposing, preposition plus ing है, a blanket ban का मतलब होता है पूर्ण प्रतिबंध, total ban एक प्रकार से, ban के synonym मैंने बताए थे दो तीन दिन पहले जब हमने discuss किया था, ban का taboo हो सकता है, और इसके अलावा आप ban के लिए embargo कर सकते हैं, प्रोहिबिशन कर सकते हैं, है ना, ये सब मैंने बताया था आपको, प्रतिबंध को बोलते हैं। इम्पोज का मतलब थोपना होता है, और इम्पोज किस पर करते हो, कोई बैन उसके लिए ऑन लगता है। तो ये कह रहा है कि भाई आफ्टर इम्पोजिंग ए ब्लैंकेट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन अप्रैल 4, तो अप्रैल 4 को एक घटना घटी, ये देखो डेट के लिए ऑन का प्रयोग है, तो 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो ये दवा है, ये कौन सी दवा है, एंटी मलेरिया है, मलेरिया के रोगी को दी जाती है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध, इस पे निर्यात पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद, और प्रतिबंध चूंकि इम्पोज होता है थोपा जाता है, ये तो है नहीं कि स्वेच्छा से कोई प्रतिबंध लगवाना चाहेगा, तो किसी पर ये मतलब फोर्सफुली थोपते हैं, इस कारण से इम्पोज का यूज़ करते हैं, और प्रतिबंध को सैंक्शन भी बोलते हैं, SANCTION, काफ़ी बार आप अखबार में ये वर्ड भी देखेंगे। तो 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एंटी मलेरिया ड्रग है उसके एक्सपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद, पूर्ण प्रतिबंध थोपने के बाद, विदाउट एग्जेम्पशंस ऑन ह्यूमैनिटेरियन और अदर grounds, और ये भी विदाउट एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस का मतलब छूट है ना, ये फी एग्जेम्पशन, कभी आपने एप्लीकेशन लिखी होगी बचपन में फीस माफी के लिए, तो ये फी एग्जेम्पशन मतलब माफी देना, किसी सेक्टर के लिए छूट दे देना। विदाउट एग्जेम्पशंस, विदाउट प्रपोजिशन है, ये नाउन है। ऑन ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी कह सकते हो, मानवीय गुणों के आधार पर, परोपकारवाद के आधार पर, और अदर grounds, grounds का मतलब, ग्राउंड का मतलब मैदान होता है, grounds का कोई कारण कह सकते हो, है ना, आधार भी कह सकते हो, तो या फिर किसी अन्य कारणों से या अन्य आधार पर। तो इसमें क्या था कि 4 अप्रैल को सैंक्शन तो लगा, मतलब यहाँ पे प्रतिबंध तो लगा दिया, इम्पोज कर दिया, और किस पर लगाया था, इस दवा पर लगाया था, और उस पर कोई छूट नहीं दी गई थी, किस पर, कोई मानवीयता की, मतलब कोई मानवीय यहाँ पे या परोपकारवाद की बात नहीं की गई थी कि मानवीय आवश्यकता के समय हम इसका निर्यात है जो उसको हम प्रतिबंध नहीं लगाएं, प्रतिबंध हटा देंगे, ऐसी कोई बातें वहाँ पे थी नहीं, छूट किसी को दी नहीं गई थी या किसी अन्य आधार पर कोई छूट नहीं मिली थी। इसके बाद क्या हुआ, इंडिया रिवर्स द पॉलिसी 2 डेज लेटर, फिर 2 दिन के बाद, प्रतिबंध लगा 4 अप्रैल को, फिर उसके 2 दिन के बाद में भारत ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स कर लिया, रिवर्स कर लिया मतलब वापस कर लिया, मतलब 2 दिन के बाद, लेटर जो है टाइम के लिए आता है, LETER, इसका ऑपोजिट बताता रहता हूँ मैं काफ़ी बार, ERLIER, ये समय में पहले के लिए, ये समय में बाद के लिए। तो 2 दिन के बाद पॉलिसी को रिवर्स कर लिया, मतलब प्रतिबंध हटा दिया। आगे देखिए, द डिसीजन टू रिवर्स द बैन वॉज मेड पब्लिक आवर्स आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न्ड ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध या बदला, रिवेंज कह सकते हो आप। द डिसीजन टू रिवर्स द बैन, तो जो डिसीजन है इस बैन को रिवर्स करने का, जो निर्णय है इस बैन को वापस लेने का, रिवर्स का मतलब आपने बैन लगाया, इस दिशा में गए, रिवर्स किया, मतलब इस दिशा में गए, बैन हटा लिया। तो जो डिसीजन था
डिसीजन कौन सा था, तो आगे दे रखा आपको इसको रिवर्स करने का, इस कारण से ये डेफिनेट बन गया, तो दे का प्रयोग है। तो इस डिसीजन को पब्लिक किया गया, ये वॉज मेड पब्लिक है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, वॉज के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म, पब्लिक सार्वजनिक किया गया आवर्स आफ्टर, घंटों बाद, कुछ घंटों के बाद, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न्ड ऑफ रिटेलिएशन, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे चेतावनी दी किसकी, रिटेलिएशन की, प्रतिशोध की, कि बदला लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, इफ इंडिया विदहेल्ड सप्लाईज ऑफ द ड्रग फॉर ऑफ विच ऑर्डर्स हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड। कब, यदि इंडिया भारत, विदहेल्ड मतलब रोकना, किसी चीज को रोकना है ना, उसको विदहेल्ड बोलते हैं, यदि भारत ने सप्लाई रोकी, ये विदहोल्ड की सेकेंड फॉर्म है, ऑफ द ड्रग, दवा की, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग के लिए है, इस कारण से दैट ड्रग है, फॉर विच, जिसके लिए ऑर्डर्स हैड ऑलरेडी बीन प्लेस, जिसके लिए ऑर्डर्स जो हैं वो पहले से ही प्लेस कर दिए गए थे, ये हैड बीन प्लेस्ड है, ये पैसिव वॉइस है, जिसके लिए ऑर्डर्स पहले से दे दिए गए थे, अगर उस दवा की सप्लाई को रोका तो फिर रिटेलिएशन की यहाँ पे चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी भारत को। रिपीट कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि जो डिसीजन है तो रिवर्स द बैन वॉज मेड पब्लिक, तो जो डिसीजन है बैन को रिवर्स करने का, इस बैन को हटा देने का, वो पब्लिक किया गया, वो सार्वजनिक किया गया घंटों बाद में, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बदले की कार्रवाई करने का चेतावनी दी, यदि भारत ने ड्रग की सप्लाई को रोका, जिसके लिए ऑर्डर्स पहले से प्लेस कर दिए गए थे। यहाँ देखिए वॉर्न ऑफ है, वॉर्न अगेंस्ट भी होता है, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ये करोगे तो आपको उस चीज़ को करने के खिलाफ चेतावनी जारी की गई, तो उसके लिए अगेंस्ट लगा सकते हैं आप, वॉर्न अगेंस्ट, तो वॉर्न अगेंस्ट और वॉर्न ऑफ दोनों याद रखिएगा। इससे आगे अगर बात करें तो कहना चाह रहा है गिवन द सर्कमस्टेंसेज, गिवन इस प्रकार से प्रेपोजिशन के रूप में आता है, और मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है द हिंदू एडिटोरियल को या फिर इंडियन एक्सप्रेस हम पढ़ते हैं, उसमें सभी में आप देखते हैं कि गिवन का बहुत बार प्रयोग देखने को मिलता है इस प्रकार से प्रेपोजिशन के रूप में, इसका मतलब होता है कंसिडरिंग, इस चीज़ को सोचते हुए, इस चीज़ को मतलब टेकिंग इनटू अकाउंट यू कैन से, है ना, कंसीडर करते हुए। तो गिवन द सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस क्या होती है, परिस्थितियाँ, तो परिस्थितियों को देखते हुए, अब यहाँ दे क्यों है, क्योंकि परिस्थितियाँ वो हैं जो फिलहाल चल रही हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, तो ये कह रहा है कि ये मुश्किल होगा विश्वास करना, इट वुड बी डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल होगा टू बिलीव, विश्वास करना, दैट द डिसीजन, कि जो निर्णय है, फिर से निर्णय कौन सा, आगे दे रखा है टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शन, इस प्रतिबंध को हटाने का, अब बैन की जगह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, वॉज टेकन इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस प्रेशर, वो डिसीजन लिया गया इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं था, इस बात से मुक्त था डिसीजन, ऑफ यूएस प्रेशर, कि यूएस के दबाव के चलते नहीं लिया गया, यूएस दबाव के कोई बात इसमें थी नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था, ये कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि वर्तमान स्थितियां देखते हुए ये बड़ा मुश्किल होगा विश्वास करना, अब ये वुड बी डिफिकल्ट दे रखा है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस एक प्रकार से है, इमेजिन करने के लिए कह रहा है लेखक, तो इस कारण से वुड का प्रयोग है। तो ये मुश्किल होगा विश्वास करना कि जो डिसीजन है रेस्ट्रिक्शन को हटाने का वो यूएस प्रेशर के चलते नहीं लिया गया, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन था, ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे तो बट द पेंडेमिक हैज सीन सेवरल कंट्रीज डिस्प्लेइंग सॉलिडैरिटी एंड कोऑपरेशन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सप्लाईज टू अदर्स इवन वाइल टैकलिंग द नोवेल कोरोना वायरस इन देयर ओन बैकयार्ड्स। ये इन देयर ओन बैकयार्ड्स, तो इन वन्स ओन बैकयार्ड्स का मतलब ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जहां आप रहते हो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वहां की स्थानीय स्थिति के लिए इन वन्स ओन बैकयार्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो अपने देश में कह दीजिए। तो बट द पेंडेमिक हैज सीन, लेकिन जो ये वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक हम समझते हैं वैश्विक महामारी, एंडेमिक एपिडेमिक बता चुका हूँ, एंडेमिक जो लोकल एरिया में हो, एपिडेमिक थोड़े बड़े स्तर पे हो, महामारी को बोलते हैं, और पूरे विश्व में हो, हर जगह पे हो, पेंडेमिक है चूंकि COVID-19 हर जगह पे, इस कारण से इसको पेंडेमिक बोलते हैं। बट द पेंडेमिक हैज सीन, लेकिन इस महामारी ने देखा है सेवरल कंट्रीज, अनेकों देशों को, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल लगता है, डिस्प्लेइंग दिखाते हुए, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन करते हुए, रिवील करते हुए, सॉलिडैरिटी एंड कोऑपरेशन, सॉलिडैरिटी का मतलब भी यहाँ पे एक प्रकार से क्या है कि साथ खड़े हैं देश, आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेशन का मतलब भी सहयोगी होता है, तो सॉलिडैरिटी का मतलब तो एकदम सॉलिड तरीके से आपके साथ खड़े हैं, एकजुट होकर कर रहे हैं काम, उसको सॉलिडैरिटी बोलते हैं, कोऑपरेशन सहयोग, तो अनेकों देश जो हैं वो सॉलिडैरिटी और कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सप्लाईज, जो महत्वपूर्ण सामान है, जो भी सामान चाहिए है, सप्लाई चाहिए, उसको प्रोवाइड करते हुए, एसेंशियल का सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, टू अदर्स दूसरों को, इवन वाइल टैकलिंग द नोवल कोरोना वायरस, उस समय भी, इवन का मतलब भी, वाइल टैकलिंग, तो वाइल के सीधा बाद में वर्ब ING फॉर्म में लगती है, द नोवल कोरोना वायरस इन देयर ओन बैकयार्ड्स, अपने खुद के देश में नोवल कोरोना वायरस को टैकल करते हुए दूसरे देशों की हेल्प के लिए एसेंशियल सप्लाई प्रोवाइड करवाई जा रही है।
रिपीट कर देता हूँ, लेकिन जो पेंडेमिक है, ये वैश्विक महामारी है, इसने देखा है कि अनेकों देश जो हैं वो यहाँ सॉलिडरिटी और कॉपरेशन का परिचय दे रहे हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और इसमें सहयोग कैसे कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सप्लाईज को प्रोवाइड करते हुए दूसरे देशों को, उस समय भी जब ये अपने देश के अंदर, अपनी जगह के अंदर अपने नोवल कोरोना वायरस को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय भी दूसरे देशों की हेल्प की जा रही है। तो इसका मतलब भारत ने किया वो सही किया लेखक के अनुसार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज टू मिस्टर ट्रंप दैट इंडिया शैल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प ह्यूमैनिटीज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 शुड देयरफॉर बी सीन इन दैट लाइट। तो अब लेखक कह रहा है यहाँ पे, तो इस कारण से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है, मोदी जी का जो संदेश है टू मिस्टर ट्रंप, किसको, मिस्टर ट्रंप को, दैट की, अब संदेश क्या है वो दे रखा आपको इन्वर्टेड कॉमास में, कि इंडिया शैल डू एवरीथिंग, कि भारत सब कुछ करेगा। इंडिया के साथ शैल क्यों है, ये इसलिए है कि ये सर्टेनिटी बता रहा है। अगर कोई सर्टेनिटी हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, ये बचपन में पढ़ते थे ना आप स्कूलिंग में कि थ्रेट या सर्टेनिटी है ना, या फिर आप बताएं जैसे प्रॉमिस, इस प्रकार की कोई चीज़ें हो ना, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए आप उल्टा कर देते हैं, जहाँ विल लगता है वहाँ शैल लग जाता है, जहाँ शैल लगता है वहाँ पे विल लग जाता है, याद रखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से यहाँ पे लग रहा है शैल इंडिया के साथ, वैसे लगता है विल। तो ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो संदेश है मिस्टर ट्रंप को, कि भारत सब कुछ करेगा, एवरीथिंग पॉसिबल, जो कुछ भी संभव होगा वो सब कुछ करेगा टू हेल्प ह्यूमैनिटीज फाइट, किसके लिए, जो ये एक मानवीय लड़ाई है, किसके खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ, इसमें सहायता करने के लिए। शुड, तो इस चीज़ को, जो मैसेज है, इस चीज़ को देयर फॉर बी सीन, इस मैसेज को देखा जाना चाहिए, शुड बी सीन है, देयर फॉर इसीलिए, शुड बी सीन, देखा जाना चाहिए, पैसिव वॉइस है, इन दैट लाइट, मतलब इस परिप्रेक्ष्य, इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में, ठीक है, कि भाई सभी देश दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो भारत को भी हेल्प करनी चाहिए, भारत ने हेल्प की है, स्वागत योग्य कदम है, ठीक है। आगे कह रखा, लॉडेड एज द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, India's decision to export the drug on humanitarian grounds to neighboring countries and others that have been badly hit by the pandemic is welcome. Lauded का मतलब प्रशंसा करना, LAUD जो होता है वो प्रशंसा करना, admire करना, praise करना उसके लिए। As the pharmacy of the global south, तो ये कह रहा है कि जो pharmacy है global south की, ठीक है, अब यहाँ जो उस pharmacy ने क्या किया है कि भारत का decision जो है export करने का drug को, भारत का निर्णय है क्या चीज़ का, ड्रग को एक्सपोर्ट करने का, और किस लेवल पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, इस बेसिस पर कि भी मानवीय हेल्प करना चाह रहा है भारत, ह्यूमैनिटेरियन एक हेल्प है, टू नेबरिंग कंट्रीज, दूसरे देशों को, पड़ोसी देशों को, एंड अदर्स, और दूसरों को, दैट हैव बीन बैडली हिट, जो कि काफ़ी बुरी तरह प्रभावित है, पड़ोसी देशों की भी हेल्प करे और दूसरे देशों की भी हेल्प करे, जो कि क्या है, बैडली हिट है, बैडली मतलब बहुत बुरी तरीके से हिट, प्रभावित बाय द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के द्वारा, इज़ वेलकम। तो ये इज क्या है, इज किसके लिए आ रहा है, इंडिया डिसीजन के लिए आ रहा है, तो ये भारत का निर्णय जो है वो स्वागत योग्य है, वेलकम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ देखो टर्म यूज किया गया ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ से मतलब है ये, ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि जो मिडल इनकम जो कंट्रीज़ हैं या लो इनकम कंट्रीज़ है, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, उसको कहा जाता है ग्लोबल साउथ। तो क्या कहना चाह रहा है, लॉडेड एज द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, अब जो ग्लोबल साउथ की जो फार्मेसी है, मतलब जो मिडल और लो इनकम जो कंट्रीज़ हैं, बताया मैंने एशिया के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, उसके रूप में लॉडेड मतलब प्रशंसा की गई है, इंडियाज डिसीजन टू एक्सपोर्ट द ड्रग ऑन ह्यूमैनिटेरियन गुड्स, तो भारत का जो निर्णय है किस चीज़ का, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, बताया मैंने मानवीय गुणों के आधार पर या मानवीय सहायता के लिए, इस आधार पर ड्रग को एक्सपोर्ट करने का नेबरिंग कंट्रीज़ में, पड़ोसी देशों में और बाकी के अंदर, जो कि बुरी तरह प्रभावित है पेंडेमिक के द्वारा, वो स्वागत योग्य है। आगे देखिए, टिल रिसेंटली, अब तक इंडिया रिलाइड सोलली, इसको सोलली पढ़ते हैं, सोलली, तो इसका मतलब क्या है, ओनली, केवल, और कोई जिसमें इन्वॉल्व ना हो, केवल एक ही इन्वॉल्व हो। तो टिल रिसेंटली, हाल में, अब तक इंडिया रिलाइड सोलली ऑन, रिलाई के साथ ऑन लगता है, हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, डिपेंड के साथ ऑन लगता है, तो भारत जो है वो केवल यहाँ पे अदर कंट्रीज़ पर डिपेंड रहा है फॉर टेस्ट सप्लाईज, किसके लिए, टेस्ट सप्लाईज, टेस्टिंग किट के लिए, एंड मे लुक टू, अब लुक टू का मतलब यहाँ पे क्या है, तो लुक टू जो शब्द है इससे मतलब होता है टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग फॉर हेल्प और एडवाइस, किसी के लिए सहायता चाहिए, एडवाइस चाहिए, है ना, उसके लिए किसी पर निर्भर हैं अगर आप, तो उसके लिए लुक टू यूज़ करते हैं। मे यहाँ पे है पॉसिबिलिटी के लिए, कि हो सकता है कि भारत को निर्भर रहना पड़े,
दूसरों पर, फॉर एसेंशियल मटेरियल्स किसके लिए, आवश्यक सामग्री के लिए, एसेंशियल एडजेक्टिव मटेरियल्स नाउन है। इफ द सिचुएशन वर्सन्स, कब, यदि सिचुएशन वर्सन होती हो, बदतर होती हो, वर्सन बदतर होना, वर्सन्स यहाँ पे इसलिए क्योंकि सिचुएशन सिंगुलर है। ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, ये देखिए यहाँ पे इफ से लेकर इफ क्लॉज में क्या दे रखा है आपको, वी वन के साथ में एस, तो यहाँ क्या दे रखा है, मे के साथ में वी जीरो। रिपीट कर देता हूँ, अब तक क्या है कि भारत जो है वो निर्भर रहा है दूसरे देशों पर ही टेस्ट सप्लाईज के लिए, और हो सकता है कि भारत को दूसरे देशों पर, अदर्स पर यहाँ आश्रित रहना पड़े, हेल्प मांगनी पड़े एसेंशियल मटेरियल्स के लिए यदि सिचुएशन बदतर होती है। आगे कह रहा है, ऑल्सो इंडिया में हैव मच टू गेन फ्रॉम द यूएस इन द फ्यूचर बाई दिस पेंडेमिक डिप्लोमेटिक एक्ट ऑफ सप्लाइंग द ड्रग एट ए क्रूशियल टाइम। अब कह रहा है ऑल्सो, ये भी है कि इंडिया मे हैव मतलब हो सकता है, ये मे हैव मच टू गेन, देखो मच हटा दोगे समझ में आपको आएगा कि हैव टू गेन, मे हैव टू गेन मतलब हो सकता है ऐसा करना पड़े, मच मतलब ज़्यादा के लिए आ रहा है, तो हो सकता है कि भारत को यहाँ पे यूएस से कुछ गेन करने के लिए करना पड़े, हो सकता है ये संभावना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूएस से कुछ प्राप्त करना पड़े इन द फ्यूचर, भविष्य में, बाय दिस डिप्लोमेटिक एक्ट, इस कूटनीतिक जो ये एक्ट हुआ है कि भारत ने मतलब निर्यात के लिए प्रतिबंध जो था हटा दिया यूएस के लिए, ऑफ सप्लाइंग द ड्रग, एक्ट कौन सा, ड्रग को सप्लाई करने का, एट अ क्रूशियल टाइम मतलब इस महत्वपूर्ण समय पर, वो गेन जो है वो लाभ के लिए भी आ सकता है, प्रॉफिट के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि भारत यहाँ पे मे हैव मच टू गेन फ्रॉम द यूएस, कि भारत को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है कि प्राप्त करने का हो, है ना, करना पड़े, कुछ प्राप्ति करनी पड़े यूएस से फ्यूचर के अंदर इस डिप्लोमेटिक एक्ट के द्वारा। डिप्लोमेटिक एक्ट क्या है, ड्रग को सप्लाई करने का निर्णय इस महत्वपूर्ण समय में। द सडन डिमांड फॉर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अक्रॉस द वर्ल्ड अरोज आफ्टर मिस्टर ट्रंप चैम्पियन्ड इट एज ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। ये तो चैम्पियन शब्द आया है यहाँ पे, चैम्पियन एक तो वो होता है जो बहुत ही जैसे कोई क्रिकेट में, फुटबॉल में हम कहते हैं ना चैम्पियन, तो वो एक उस चीज़ में दक्ष है, बहुत ही प्रभावशाली है। एक चैम्पियन वर्ब के रूप में है, तो इसका मतलब एडवोकेट करना कह सकते हो आप, है ना, सपोर्ट करना कह सकते हो, एडवोकेट, सपोर्ट। इसके अलावा एक बहुत अच्छा वर्ड आता है एस्पाउज, ESPOUSE, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए होता है अपहोल्ड, ये भी काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं। अगर फ्रेजल वर्ब्स की सहायता से बताएं इस वर्ड को, तो आप स्टैंड अप फॉर कह सकते हो, स्टैंड अप फॉर, किसी के लिए खड़े होना। और एक और आता है स्टिक अप फॉर, एक ही बात है, स्टिक अप फिर फॉर लगा दीजिएगा। तो ये सब सपोर्ट करना है, एडवोकेट करना है। तो क्या कहना चाह रहा है कि द सडन डिमांड फॉर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व भर में जो अचानक से डिमांड आई है, ये जो मांग पैदा हुई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इसकी ड्रग की, अरोज आफ्टर, अराइज की सेकेंड फॉर्म है, ये मतलब उठी है, आफ्टर मिस्टर ट्रंप चैम्पियन इट, जब मिस्टर ट्रंप ने इसका सपोर्ट किया है, इसको एडवोकेट किया है इस दवा का एज ट्रीटमेंट, किस रूप में, कि ये इलाज हो सकता है कोविड-19 पेशेंट्स का, इस रूप में जब एडवोकेट किया तो अचानक से बहुत डिमांड बढ़ गई। तो जब मिस्टर ट्रंप ने इसको एडवोकेट किया है कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के रूप में, तो अचानक से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो ड्रग है उसकी डिमांड बढ़ गई है, है ना, पूरे विश्व भर में। आगे कह रहा है द ड्रग बिकेम मच सोट आफ्टर, सोट आफ्टर का मतलब होता है जो बहुत अधिक पसंद की जा रही है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ड्रग बिकेम, ये जो दवा है, द ड्रग इसलिए आ रहा है क्योंकि हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग की बात कर रहे हैं, तो निश्चित है ये होमोफोरिक यूज बताता हूँ आपको, कि जब नाउन जो है वो अगर खुद आप अपने बारे में बताए, वो बताए कि भी मैं डेफिनेट हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहे हो आप, तो फिर डे लगा देते हैं यार। द ड्रग बिकेम मच सोट आफ्टर इन इंडिया, तो ड्रग जो है वो बिकेम, बिकम के सेकेंड फॉर्म में बन गई है, मच सोट आफ्टर बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई है इन इंडिया, भारत में, आफ्टर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको बोलते हैं ICMR, कब, जब ये ICMR जो है इसको अप्रूव किया, इसने ICMR ने इसको अप्रूवल दिया इट्स यूज़, इसके प्रयोग को, एज प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्सिस होता है रोकथाम करने वाली दवा, रोग निरोधक कह सकते हो, तो प्रोफिलैक्सिस के रूप में फॉर नोवेल कोरोना वायरस, इस बीमारी के लिए, बाय सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल, और अनेकों कैटेगरीज के पीपल के द्वारा, ऑन March 23, 23 मार्च को डेट के लिए उनका प्रयोग है। रिपीट कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि ये जो ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ गई भारत में, कब, जब ICMR ने इसके यूज़ को अप्रूव कर दिया कि आप इसको प्रोफिलैक्सिस के रूप में, रोकथाम करने दवा के रूप में, रोग निरोधक के रूप में ले सकते हो नोवेल कोरोना वायरस को, बाय सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल, और ये अनेकों कैटेगरीज जो लोगों की है उनके द्वारा ली जा सकती है, March 23 को जब घोषणा हुई, तो जब ऐसे ही मत सोट आफ्टर बन गई, बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई।
टू डेज लेटर, दो दिन के बाद, लेटर जो है समय के लिए आता है। द ड्रग वॉज प्लेस्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, इस ड्रग को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी मतलब प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया गया। वॉज प्लेस्ड है तो पैसिव वॉइस हो गया, तो इस दवा को क्या किया, प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया गया फॉर एक्सपोर्ट, किसके लिए, निर्यात के लिए, कि निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एंड इंक्लूडेड इन शेड्यूल फर्स्ट, अब ये शेड्यूल फर्स्ट जो है ना, ये कैटेगरी है कि जिसमें आप केवल दवा ले सकते हो किसी फिजिशियन के या किसी भी एक्सपर्ट के सुझाव के अनुसार, उसके प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही आप ले सकते हो, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अदरवाइज आप दवा नहीं ले सकते, ठीक है। वो दवा का मतलब स्टॉक नहीं रख सकते आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, ये सब होता है H1 कैटेगरी के अंदर। तो कह रहा है कि दो दिन के बाद जो ड्रग है उसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रख दिया गया। अब रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है, कैटेगरी यहाँ पे नाउन है, एक्सपोर्ट के लिए एंड इंक्लूडेड इन शेड्यूल H1, और इसको शेड्यूल H1 में इंक्लूड कर लिया गया मार्च 26 को, टू प्रिवेंट्स इट्स सेल ओवर द काउंटर, किसके लिए, ताकि इसकी सेल जो है काउंटर से की सेल ना हो, किसी हर दुकान पे उपलब्ध ना हो, इसकी सेल को रोकने के लिए, इसकी बिक्री को रोकने के लिए। सेल यहाँ पे नाउन है, इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर बाई एक ऐसा एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ कह सकते हो, है ना, या फॉलोइंग दिस कह सकते हो, इसके परिणाम स्वरूप एडवर्ब होता है। तो इसके चलते क्या हुआ कि प्रिवेंटिंग सेल्फ मेडिकेशन, एक तो सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद ही कई बार क्या करते हैं, सर्दी जुकाम हो गया, मेडिकल स्टोर पे गए, भैया दवा देना जुकाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इस दवा को आप इस प्रकार प्राप्त नहीं कर पाओगे, सेल्फ मेडिकेशन रोकने के लिए। एंड होल्डिंग, होल्ड का मतलब स्टॉक करना है, संग्रह करना है, तो इसको रोकने के लिए, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो टू एंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी टू पीपल विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कोई रोग है, बीमारी का नाम है, जिसमें हाथों में सूजन आ जाती है, जॉइंट्स का सूजन आ जाती है, जो हाथों में फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो क्या कहना चाह रहे हैं, दिस वॉज ऑल्सो टू एंश्योर, ये इसके लिए भी था, दिस यह वॉज था, ऑल्सो मतलब भी, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, इट्स अवेलेबिलिटी इसकी उपलब्धता, तो यह इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी था कि टू पीपल विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, की जो लोग जिसको इस प्रकार की बीमारी है एंड अदर कंडीशंस, और बाकी जो कंडीशंस हैं उनके लिए भी इसकी अवेलेबिलिटी हो, जो इस बीमारी से पीड़ित है उनको ये दवा मिल जाए और बाकी कंडीशंस जो हैं उनमें दवा मिल जाए, इसके लिए भी ये स्टेप उठाया गया, इसको H1 शेड्यूल में डाल दिया गया और इसको प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखिए, इंडिया हैज़ ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 200 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट ऑफ 200 mg स्ट्रेंथ एंड ईच मंथ एंड देयर थ्री वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेक द ड्रग। इंडिया हैज़ ए प्रोडक्शन कैपेसिटी, भारत के पास उत्पादन क्षमता है, इंडिया हैज़, भारत के पास है अ प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब उत्पादन क्षमता ऑफ 200 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स की, भारत जो है वो 200 मिलियन इन टैबलेट्स को मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, 200 mg की टैबलेट होगी ये, ईच मंथ हर महीने इतना कर सकता है, एंड थ्री वेल एस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल कंपनीज टेक मेक द ड्रग, और तीन वेल एस्टेब्लिश्ड सुस्थापित जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इस दवा को बनाती है, तो ये भारत की क्षमता है। वाइल द कैपेसिटी इज सफिशियंट टू मीट द करंट डिमांड, जहाँ ये जो कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है वो पर्याप्त है, किसके लिए, वर्तमान जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, मीट का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरा करना, तो जहाँ ये कैपेसिटी जो है वो सक्षम है या पर्याप्त है, किसके लिए, वर्तमान डिमांड को पूरा करने के लिए। वाइल लग रखा है, इसका मतलब आगे की बात कुछ विपरीत आएगी, वाइल जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं ना आप, मतलब दो क्लोज है उसमें, एक का स्टार्ट वाइल से किया है, उस कंडीशन में दूसरा उपवाक्य पहले का बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आपको देगा। तो द कंपनीज आर कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ में प्रिपरेशन ऑफ लगता है, प्रिपरेशन के बाद में ING लगता है। रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना, और रैम्प अप के लिए दो तीन वर्ड तो कल ही आए थे, स्केल अप और स्टेप अप, ये बढ़ाना है। एक बच्चे ने कहा सर स्टेप अप का मतलब बढ़ाना नहीं होता है, कमेंट मैंने कल पढ़ा तो, और स्टेप अप का मतलब होता है कार्रवाई करना, तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, स्टेप अप का बढ़ाना भी होता है, स्टेप अप कार्रवाई करना भी होता है, ठीक है, एक्शन लेना भी होता है, तो स्केल अप, स्टेप अप, इसके अलावा इंक्रीज आप सिंपल सा वर्ड है वो कर ही सकते हो, इसके अलावा बूस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप एलिवेट कर सकते हो, ELEVATE, ठीक है, मैक्सिमाइज कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट में ऑफ लगेगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो कैपेसिटी जो है वो सफिशियंट है वर्तमान डिमांड को पूरा करने के लिए। द कंपनीज आर कॉन्फिडेंट ऑफ रैंपिंग अ प्रोडक्शन, तो वहीं जो कंपनीज हैं जो जो इसका प्रोडक्शन कर रही हैं वो इसका विश्वास भी रखती हैं कि वो प्रोडक्शन को रैंप अप कर सकती हैं, वो मतलब इसको बढ़ा सकती हैं, इफ़ द नीड अराइजेज, यदि आवश्यकता जो है इसकी क्या करेगी, बढ़ती है, तो यदि आवश्यकता बढ़ेगी इसकी तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की क्षमता भी रखती हैं, ये भी बताया।
इन ऑल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड कौन संभावना, सारी के सारी संभावना में इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए, अल्पकालिक कह सकते हो, तो इन ऑल लाइकलीहुड सारी संभावनाओं में, इन द शॉर्ट टर्म मतलब निकट भविष्य में, नज़दीक में, नियर फ्यूचर में, इंडिया माइट नॉट रन आउट, माइट यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, माइट मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना है, रन आउट ऑफ हमने पढ़ा था कोई भी सप्लाई खत्म हो जाना, तो भारत जो है ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भारत के पास मतलब ये दवा के स्टॉक खत्म हो जाए। एज द नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड 19 हैड रिलाइड ऑन वीक एनेक्डोटल एविडेंस टू मेक द रिकमेंडेशन कि इंडिया माइट नॉट रन आउट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कि भारत जो है हो सकता है कि इससे मतलब रन आउट नहीं हो, मतलब कहें कि इसकी आपूर्ति खत्म नहीं हो, जैसा कि नेशनल टास्क फोर्स ऑफ कोविड 19 जो कि नेशनल टास्क फोर्स है कोविड 19 की, उसने हैड रिलाइड ऑन, जो कि निर्भर थी, वीक का मतलब कमज़ोर, एनेक्डोटल का मतलब जो किस्सों पर आधारित हो, जो कहीं सुनाई बात पर आधारित हो, एविडेंस का सबूत, टू मेक द रिकमेंडेशन कि इसने रेकमेंड किया कि भाई आप इसको निर्यात इस पर बंद कर दो क्योंकि हो सकता है हमारा स्टॉक खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने तय कर दिया है। एनेक्डोटल्स एविडेंस का मतलब किस्सों पर आधारित सबूत। दो द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अभी कह रहे यद्यपि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने एक इमरजेंसी जारी की है, दो यद्यपि द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने एक इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मतलब एक आपातकालीन यूज की अधिक मतलब ऑथोराइज मतलब किसी को अधिकृत कर देना, ऑथोराइज कर देना कि आप ऐसा कर सकते हो, तो ये एक जारी की है फॉर द ड्रग, इस दवा के लिए, टू ट्रीट कोविड 19 पेशेंट्स, किसके लिए, कोविड 19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ऑन अप्रैल 7, कब की बात है, 7 अप्रैल की, द एटलांटा बेस्ड सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिवाइज इट्स पोजिशन, वहीं जो एटलांटा बेस्ड, एटलांटा आधारित जो ये सेंटर्स हैं डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन के, उसने अपनी इस पोजीशन को रिवाइज किया है, जो पोजीशन, जो स्थिति थी, जो इनका मानना था उसको रिवाइज किया है, ये कहते हुए कि देर इज़ नो ड्रग अवेलेबल टू प्रिवेंट और ट्रीट कोविड 19, कि कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है कोविड 19 के इलाज या इसको रोकने के लिए, इसने ये कहा है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, मोर रिसर्च वर्क इज नीडेड, अधिक रिसर्च वर्क की आवश्यकता है टू एस्टैब्लिश द एफिकेसी ऑफ द ड्रग, किसके लिए मतलब क्या एफिकेसी है, एफिकेसी का मतलब होता प्रभाव, कि इस दवा का प्रभाव क्या है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरत है अधिक रिसर्च की, अधिक खोज की, अधिक अनुसंधान की। ये था ये आर्टिकल, इसके टोन अगर बात करें हम तो इसका प्रैग्मेटिक टोन आप कह सकते हो, एक नई प्रकार टोन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रैग्मेटिक आप कह सकते हो, प्रैग्मेटिक इसलिए कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे एकदम भारत का जो स्टैंड है उसको प्रैग्मेटिक करार दिया है लेखक ने, भारत का स्टैंड जो है कहा था ना कि यूएस के प्रेशर के सामने झुके, लेखक ने कहा कि ठीक है वो बात अलग है कि प्रेशर के सामने झुका है कि नहीं झुका, लेकिन बहुत ही वैलिड, बहुत अच्छा सही काम किया है, ज़रूरत है टाइम की, एक कूटनीतिक आप डिप्लोमेटिक एक्टिविस्ट को कह सकते हो, भारत भी दूसरे देशों पर आधारित है मेडिकल टेस्टिंग किट के लिए या बाकी इक्विपमेंट के लिए, तो भारत अगर सहायता करेगा तो ही दूसरे लोग सहायता करें, दूसरे देश सहायता करेंगे इंडिया के, तो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच यहाँ पे लेखक की आपको देखने को मिली है। आज जो क्वेश्चन है वो कॉमन एरर के, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं।